नमस्कार। आज के जमाने में टच स्क्रीन मोबाइल का भी बड़ा रुझान है लोगों के बीच में। आइए जानते हैं ये टच स्क्रीन मोबाइल होता क्या है और इसमें कौन कौन से एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं और साथ में इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, आइए इन सब के बारे में भी जानते हैं। हाँ, हम देखेंगे आज टच स्क्रीन सेट। टच स्क्रीन सेट जैसे कि क्या होता है कि आप सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने आपको एक नॉर्मल मोबाइल सेट दिखाया था जिसमें नॉर्मल वर्किंग कर सकते हैं कि किस प्रकार से कॉन्टैक्ट खोलते हैं, बंद करते हैं, कहाँ हैंड फ्री होती है, कहाँ चार्जिंग होती है, किस प्रकार से माइक होता है, किस प्रकार से स्पीकर होता है, ऐसे बहुत सारे आपको उसमें नॉर्मल सेटों में फंक्शन दिखाई गई थी। लेकिन ये होता है कि जैसे जैसे सेट और प्रोग्रेस बढ़ती जाती है तो नए नए मार्केट में कई प्रकार के मोबाइल सेट आते जाते हैं। तो जब कई प्रकार के जब मोबाइल सेट आते जाते हैं तो उसको हम किस प्रकार से यूज करते हैं और किस प्रकार से इसकी वर्किंग होती है ये हम देख सकते हैं कि इनको कैसे चलाना है और कैसे ऑपरेट करना है। यदि टच स्क्रीन सेट उसके पहले यदि फिर से नजर डालें हम जो नॉर्मल सेट आते थे, नॉर्मल से मतलब होता था जो कि केवल एक नॉर्मल वर्किंग के लिए आते थे कि जिसको नॉर्मल अपन ने बटन दबाया चालू हो गया, इनकमिंग आउटगोइंग करने के लिए नॉर्मल तरीके से यूज करते थे तो चालू हो गया या बंद हो गया, डायल कैसे करना है उसके ऑप्शन दिए रहे, बहुत सिंपल मोबाइल रहते थे। लेकिन इसके बाद और देखते हुए और मोबाइल आगे बढ़ते गए, ब्लैक एंड व्हाइट सेट से कलर सेट आए, कलर सेट से मल्टी सिस्टम सेट आ गए जिसमें कैमरा है और कहना चाहिए कहीं स्लाइडिंग वाले सेट हैं, फ्लैप वाले सेट हैं, किस प्रकार से स्लाइडिंग खोलते हैं, किस प्रकार से फ्लैप खोलते हैं, इसके बाद उनके किस प्रकार से लॉकिंग सिस्टम होते हैं, किस प्रकार से और उसके मेमोरी कार्ड, कैमरा है और गाने वगैरह जो वर्किंग किए जाते हैं, तो ये सभी चीजें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने पहले यूज की और बताई गई आपको। लेकिन अभी के समय में आप देखा जाए तो सबसे एडवांस मोड पर अभी जो मोबाइल चल रहा है एक टच स्क्रीन सेट जो अधिकतर बहुत सारे युवा वर्ग में देखा जाता है, नए नए लड़कों को देखा जाता है, यंगस्टरों को देखा जाता है कि गर्ल्स वगैरह को देखा जाता है कि जो आजकल टच स्क्रीन सेट ऐसा सेट होगा जो कि बहुत नॉर्मल तरीके से हम उसको चला सकते हैं। बस टच स्क्रीन का मतलब होता है कि स्क्रीन में ऐसा उंगली टच की और वो फंक्शन खुल गया, जो भी फंक्शन चाहिए उसको बस ऐसे टच किया वह फंक्शन खुल के सामने आ गया। लेकिन ये होता है कि जो हमारे इसके पहले नॉर्मल जो सेट हमने पढ़े उनमें बटने रहती जिनको दबाना पड़ता 1 2 3 कॉल आया स्विच हुआ, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें किसी प्रकार से कोई भी बटन आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रही है, जो कीपैड बटन थी या कीपैड जो पूरा फंक्शन था वो कुछ भी आपको स्क्रीन पे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो आखिर इस सेट को कैसे वर्क किया जाता है और किस प्रकार से चलाया जाता है तो सारी आज वर्किंग के विषय में हम जानेंगे टच स्क्रीन सेट पे। और इसके पहले भी आपको एक चीज और जानकारी देना चाहेंगे कि इसके एक्सटर्नल वर्किंग पार्ट्स क्या क्या हैं, कैसे ये वर्क करता है, कैसे एक्सटर्नल इसके काम है उसके विषय में पहले जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम स्पीकर की, तो स्पीकर आपको बता दें स्पीकर क्या होता है। स्पीकर जिससे हम आवाज सुनते हैं, किसी का फोन आया और हमने ऑन किया मोबाइल और हमें सामने वाले की आवाज हमें अपने मोबाइल पे जब सुनाई देती है तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कटे का निशान बना हुआ है जो कि ये होता है स्पीकर का, यहाँ से स्पीकर साउंड हमें सुनाई देता है। इसके बाद ये जो है कंप्लीट आप देख सकते हैं ये एक डिस्प्ले स्क्रीन है जिस पर हमें सभी चीजें दिखाई देंगी, जो भी मोबाइल के फंक्शंस वगैरह हैं सारे फंक्शंस हमको यहाँ पर दिखाई देंगे इस डिस्प्ले स्क्रीन पर। और इसके नीचे आप देख सकते हैं कुछ कीपैड बटन दी हुई है लेकिन ये वैसी नहीं है स्विच, ये सब टच पैड वाले स्विच होते हैं। टच पैड मतलब उंगली रखा और ये काम करना चालू कर देते हैं। तो नीचे आप देख सकते हैं पूरे कम्प्लीट ये टच पैड दिए हुए हैं, टच पैड की है, ठीक है। टच पैड की का मतलब होता है टच पैड मतलब टच किए और वो की काम करना चालू कर देती है। अब जैसे ये डिस्प्ले स्क्रीन भी ऐसी स्क्रीन होती है जिसमें एक टच पैड होता है कि जिसके माध्यम से डिस्प्ले पे जो भी चीज स्क्रीन पर दिखती है उसको हमने टच किया और वह चीज वर्किंग चालू कर देती है। तो अभी आपने देखा एक से एक्सटर्नल पार्ट्स के विषय में, जैसे स्पीकर, डिस्प्ले स्क्रीन और नीचे
टच पैड की के विषय में। अब इसके हम थोड़ा बैक साइड में जाएंगे और साइड में देखेंगे, यहाँ पर एक आपको एक होल सा दिख रहा होगा और एक यहाँ पर एक स्विच टाइप का दिख रहा होगा, यहाँ पर हैंड फ्री के लिए है। हैंड फ्री का मतलब होता है एक हैंड फ्री जब भी हमें अक्सर कानों पर जैसे लगा के हमें मोबाइल सेट से बात नहीं करनी, हैंड फ्री स्विच यहाँ लगा देते हैं तो पूरा का पूरा साउंड हमें हैंड फ्री यहाँ से इसके एयरफोन से सुनाई देने लगता है, जिसमें हमें ना यहाँ से कुछ करने की जरूरत है, यहाँ से सुनने की जरूरत है, ना यहाँ से बोलने की जरूरत पड़ती है। सीधे हैंड फ्री लगाया और इसको कानों पे लगा करके इनकमिंग आउटगोइंग सारी बात हम जो है यहाँ से कर सकते हैं और सुन सकते हैं। ये हैंड फ्री के लिए ये इसका स्पीकर होता है और जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे हमारा एक माइक होता है कि जिसके थ्रू हम यहाँ पे बोलेंगे तो अपनी आवाज बाहर जाएगी, जिसमें हमें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इसको हमने जेब में रख लिया या कहीं पर भी साइड में ऐसी जगह रख लेते हैं और सब चीजें हमने हैंड फ्री के माध्यम से वो सब सारी वर्किंग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हैंड फ्री के लिए होता है। इसके बाद ये एक स्विच का दिया हुआ, इस स्विच के माध्यम से अप और डाउन का है, रिंगटोन से आवाज कम ज्यादा करना है, माइक की आवाज, स्पीकर की आवाज, रिंगटोन की आवाज, किसी भी साउंड वेव्स को हमें बढ़ाना है घटाना है तो इसको अप डाउन करके हम बढ़ा घटा सकते हैं। इसके बाद पीछे जाएंगे हम तो यहाँ एक कैमरा देखेंगे। कैमरा जो होता है, कैमरा से फोटो खींचना है, कवरेज करना है हर प्रकार, जैसे आपने नॉर्मल सेट पे भी देखा था और मल्टीमीडिया सेट पे भी देखा था कि कैमरा का क्या वर्क होता है, तो वो कैमरा इसमें भी लगा हुआ है। उस कैमरे से भी सारी पोजीशन हम देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। इसके बाजू में ये रिंगर का ऑप्शन है, रिंगटोन आई या म्यूजिक प्लेयर हम चलाते हैं तो हमको जो भी गाने प्राप्त होते हैं, रिंगटोन प्राप्त होती है, इस रिंगर के माध्यम से हमको प्राप्त होती है। इसके बाद माइक, माइक के लिए यहाँ पर आप डॉट्स देख सकते हैं, यहाँ से हम बोलते हैं तो हमारी आवाज अगले फोन तक जाती है, तो ये माइक होता है, तो इस माइक के माध्यम से ही हम यहाँ से बोल सकते हैं। और इन दोनों के माइक और स्पीकर की जगह यदि जब हैंड फ्री हम लगाते हैं तो सारी वर्किंग जो होती है हमें हैंड फ्री के माध्यम से प्राप्त होने लगती है, इनकमिंग प्लस आउटगोइंग की। ठीक है, तो ये देखा आपने इसके टच स्क्रीन के एक्सटर्नल वर्किंग के विषय में। अब हम इसके सर इसमें क्या ये मोबाइल को क्या कंप्यूटर के साथ भी अटैच कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको आप कंप्यूटर के साथ अटैचमेंट करके जिस प्रकार से हमें यदि किसी प्रकार से डाउनलोड वगैरह करना है या डाउनलोडिंग के अलावा मोबाइल चार्जिंग करना है तो उसके लिए एक चार्जिंग कनेक्टर होता है, ये दिया हुआ है। यहाँ से कंप्यूटर सेट से एक इसकी वो आप लीड आती है हैंड फ्री के लिए, एक हैंड फ्री के डाउनलोडिंग एक लीड होती है जिसको कनेक्टर लीड, जिसको हम यहाँ से लगा कर कंप्यूटर से भी अटैचमेंट कर सकते हैं, प्लस चार्जिंग भी यहाँ से चार्जर लगाकर भी इसको चार्जिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे टच स्क्रीन सेट का इंटरनल फंक्शन। इंटरनल मतलब होता है आप सेट को चलाएंगे कैसे और इसको वर्क पोजीशन करेंगे कैसे और क्या क्या इसमें फंक्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले एक स्विच बताना चाहेंगे आपको, यहाँ पर एक स्विच होता है जिससे मोबाइल फोन ये चालू होगा, ये स्विच लगा हुआ, इसको एक बार ऑन करेंगे तो मोबाइल सेट ऑन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं मोबाइल सेट को ऑन करेंगे, बस थोड़ा सा इसको पुश कर दिए, ये देखिए मोबाइल सेट सामने आप देख सकते हैं मोबाइल सेट ऑन हो गया है। ठीक है, अब इस मोबाइल सेट पर आप कई प्रकार के फंक्शन आप देख सकते हैं, जैसे आप देखेंगे इसको दोबारा फिर से आप स्क्रीन ला सकते हैं, यहाँ बीच में एक लॉक बना, इसको आप ऐसे चलाएंगे ये लॉक खुल गए, ये नॉर्मल मोड पे आ गया। अब आप यहाँ पे नॉर्मल मोड देख सकते हैं, सबसे पहले हमने सेट एक मत और बंद करके चालू करके देखा, स्विच को आप थोड़ा सा एक तरफ दबाएंगे स्विच ऑफ हो गया, इसके बाद इसको फिर चालू करेंगे स्विच ऑन हो, बीच में लॉक बन गया, इस लॉक को इस तरीके से नीचे जाएंगे ये सेट खुल गया। मतलब आपको टच स्क्रीन सेट पे किसी प्रकार के जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही ताकत से प्रेस करना पड़ता है कि हम बहुत ताकत लगाएं या बहुत दबाएं तो इससे हमारा टच पैड खराब हो सकता है ना। इसलिए टच पैड का मतलब ही होता है कि टच किया और वह चीज चालू, जैसे यहाँ लॉक बन के आया था हमने लॉक को बस ऐसे नीचे किया तो लॉक भी खुल गया इसका। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऑप्शंस बने हुए हैं, ये जैसे कि ऑप्शन वगैरह फिर से देख सकते हैं, यहाँ पर इस ऑप्शन के थ्रू मेनू सर्किट आता है, कंप्लीट मेनू चार्ट ओपन हो जाएगा कि उस मेनू चार्ट का क्या क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से आप मैसेज वगैरह
या आपके कई प्रकार के मैसेज इन आते हैं, या करना हुआ मैसेज या जो भी मैसेज आते हैं, तो यहाँ से मैसेज का ऑप्शन है। यहाँ पर कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है कि कौन से कॉन्टेक्ट करना है, किससे कॉन्टेक्ट, कौन से नंबर डायल करने हैं, वो सारे नंबर्स की लिस्ट यहाँ पर कॉन्टेक्ट लिस्ट पर दिखाई देने लगती है। साइड वाला जो ऑप्शन होता है, जब हमें कॉलिंग करना होती है तो कॉलिंग के लिए भी ऑप्शन बना होता है। अब हम सबसे पहले मेनू ऑप्शन पे जाएंगे, इसको खोलेंगे हम। ये देखिए, ये मेनू चार्ट ओपन हो गया। कैसे खोला हमने, इसको दोबारा फिर देखिए आप, हल्का सा यहाँ पुश किया उंगली से, ये देखिए खुल गया सामने। अब कुछ मेनू में क्या क्या चीजें हैं, वैसे तो नॉर्मली आप देख सकते हैं, इसके पहले भी जो हम मल्टीमीडिया सेट पढ़ते हैं या जो हमने उस पर देखा था, तो वो सारी चीजें उसी में वैसे भी थी। तो थोड़ा सा और क्या कुछ एडवांस है, तो एडवांस मोड वही होता है जो कुछ यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा। बाकी मेन होती इसकी प्रोसीजर चलाने की, किस प्रकार से अपडेट इसको करते हैं। अब हम कुछ फिर से इसके ऑप्शनों के विषय में बता देंगे। जैसे आप देखते हैं यहाँ से ब्राउजर वगैरह दिया है, पूरा नेट से संबंधित होता है ये भी। कैमरा जो होता है, जैसे नॉर्मली हम कैमरा यूज करते हैं तो कैमरे का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर भी नेट से संबंधित ऑप्शन है, ये भी ईमेल आईडी संबंधित ऑप्शन है, जो कि नेट से ही अपन इंटरनेट वगैरह जो यूज करते हैं। यहाँ पर क्लॉक जो लॉकिंग संबंधित जो होता है, क्लॉक टाइम वगैरह जो एडजस्ट करते हैं उसके लिए ऑप्शन होता है। इसके बाद ऊपर देख सकते हैं कैलकुलेटर लिखा हुआ, तो कैलकुलेटर की वर्किंग क्या होती है, प्लस माइनस किसी चीज को पन्ना जोड़ना घटाना या और भी जितनी वर्किंग है कैलकुलेटर की, तो यहाँ पे करते हैं। इसके बाद फेसबुक वगैरह जो साइटें वगैरह दी जाती है जो इंटरनेट चलाते हैं हम, और आगे और देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्टेक्ट वगैरह की लिस्टें दी होती है, और आप यहाँ पर ये सब नेट के फंक्शंस है। ऊपर देख सकते हैं कैलेंडर्स है, कॉल लोगों में आप लोग जो भी कॉन्टेक्ट लिस्ट के जो भी इनकमिंग आउटगोइंग कॉल्स वगैरह आते हैं उसके हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद और भी आप फाइल मैनेजर ये है और कॉन्टेक्ट लिस्ट के वगैरह यहाँ खोल के देख सकते हैं। फाइल मैनेजर पे कार्ड वगैरह हम चेक करते हैं कि कार्ड जो भी लगे हुए हैं उस कार्ड के अंदर क्या क्या लोडेड वगैरह है, तो फाइल मैनेजर पे चेक कर सकते हैं। अब इस सारे मेनू जो हमने सामने देखे, अब इसको हम आगे और पीछे करेंगे कैसे, आप जाएंगे थोड़ा सा टच स्क्रीन ऐसे चलाएंगे, ये देखिए ये आ गया, ज्यादा हो गया, थोड़ा सा और अपन लेके आए, ये देख सकते हैं। फिर से दोबारा इसको अलग करेंगे हम, अलग करने के बाद आप फिर से दोबारा देखेंगे, अलग कर दिए इसको, डाउन करने के बाद आगे जाएंगे हम। ये आप जो नीचे जो एरो है, एक स्विच है, हाँ। आप इससे ये क्या मतलब है, नीचे जो एक एरो बना हुआ है राउंड शेप में यहाँ पर, और नीचे सर यहाँ, हाँ हाँ ये वाला, इससे क्या होता है, जैसे आपने मैसेज खोला, ये मतलब मेनू खोला, मेनू को शट डाउन किया अपन ने, शट डाउन करने के बाद इसको यहाँ मतलब किसी भी चीज को अपन खोलते, जैसे ये खोला अपन ने, इसको अपन को कट करना, तो ये कट हो गया, वापस जाने बैक, हाँ, वापस बैक जाने, हाँ, चा, चा, चा। किसी भी चीज को खोल करके अपन इसको अलग कर सकते हैं। और राइट हैंड दूसरा राइट, ये लेफ्ट हैंड साइड में सर जो एक सिंबल आ रहा है, हाँ यहाँ पर भी शॉर्ट की होती है, जैसे शॉर्ट में गए, शॉर्ट में जाकर के स्क्रीन सेटिंग है, सर्च है, सेटिंग है, वॉल पेपर है, मतलब ये साइड फंक्शंस होते हैं। जैसे हम और भी मल्टी मीडिया मोबाइलों पर जो यूज करते हैं, तो मोबाइलों पे भी देखते हैं साइड फंक्शंस को दिए रहते हैं, जिनको साइड में मीडिया प्लेयर चलाना है, साइड से कॉन्टेक्ट लिस्ट खोलनी है, वॉलपेपर एडजस्ट करने हैं, सेटिंग खोलनी, तो वो सब कॉन्टेक्ट लिस्ट साइड में दिया हुआ है। और बीच में जो एक स्विच है, हाँ ये ओके है, ओके, यहाँ से भी हम वो फंक्शंस हमारे ओके आ सकते हैं, है ना, जो इसमें दिए रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मेनू चार्ट खोलेंगे और मेनू चार्ट पे फिर अपन आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, और भी यहाँ पर नेट के काफी, इंटरनेट के काफी सारे अपन ने साइटें खुली हैं, और काफी नेटों के हम संबंधित, जैसे गूगल या वगैरह होता है, और आपके और आप देख सकते हैं, और आपने बहुत सारी अपन ने इसमें साइटें में जो काफी कुछ, हाँ सर, इसमें लोकल मैप वगैरह है, जीमेल है, फायरवॉल है, हाँ इस पर याहू आपके जो और भी आते हैं, सर्च वगैरह, ईमेल आईडी है, और यूट्यूब वगैरह भी है जो साइड में हम चलाते हैं, है ना, वीडियोस वगैरह देखने वगैरह है। तो फाइनली ये बहुत एडवांस मोबाइल है, एडवांस मोबाइल है कि बहुत ज्यादा एडवांस है, हर एक चीज में काफी एडवांस है। अब इसमें एक विशेष जानकारी आपको देना चाहेंगे, वैसे तो आप म्यूजिक सब देख ही लिए हैं, इस पे स्क्रीन पे साइडों में दिए हुए हैं। इसमें एक आपको एक सेटिंग का स्पेशली फंक्शन ज्यादा समझाना चाहेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या होता है, जैसे लोग चलाते रहते हैं और चलाते हुए
यदि मान लो इसको अपन ने ऐसे ही बंद करके रख लिया, इसको रखने के बाद जरा से कहीं टच होता तो ऑटोमेटिक खुल जाता कि अपन ने मेनू टच किया हो गया या लोगों में टच हो गया, मोबाइल नंबर टच हो गया, कहीं से भी टच होता फटाक से खुल जाता है। तो उसके लिए इसमें एक लॉक सिस्टम होता है। लॉक सिस्टम को हमेशा हमें उसको एक अपन को टाइम सेट करके रखना पड़ता है कि उतने टाइम के लिए सेट करो और फटाक से हम इसको बंद करें। तो टाइम सेटिंग की विशेष जानकारी देना चाहेंगे, इसके लिए हम और आगे जाएंगे और आप देखेंगे इसमें सेटिंग पे आएंगे, हम थोड़ा सा और जाएंगे, हम यहाँ पर और देख सकते हैं सेटिंग ऑप्शन। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा और अपन आगे बढ़े इस प्रकार से, अब आप देखेंगे यहाँ पर फाइल मैनेजर है, ईमेल आईडी है, और आगे जाएंगे हम ये यूट्यूब भी दिया है जो नेट से संबंधित है, और आगे देखेंगे ये आ गया सेटिंग, सेटिंग ऑप्शन देख सकते हैं आप, सेटिंग पे क्लिक करेंगे सॉरी ये क्लिक होगा। यहाँ पर देखो सिम के लिए सेटिंग दी है, कितनी सिम चलाना है, सिंगल सिम, डबल सिम, सभी के लिए दिया है। ये सिम के लिए ऑप्शन आ जाता है कि हमें कितनी सिम ऑन रखना है, कौन जैसे अभी दो सिम चल रही है डोकोमो एयरटेल वगैरह या जो भी अदर से आइडिया स्मार्ट वगैरह जो भी है वो लगाएंगे तो यहाँ उसके सिम्बॉल्स बने आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको अलग करना है, ये अलग कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इसमें एक सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम ये देख सकते हैं ऊपर आप ड्यूल कोर, यहाँ सिस्टम देख रहे हैं आप, यहाँ पर ऊपर सिस्टम ऑन कर दिया अपन ने, किया सिस्टम ऑन। अब सिस्टम ऑन करने के बाद यहाँ पर ये रहता है कि जैसे जो आप अभी बात कर रहे थे कि इसके लॉकिंग के लिए, अब सिस्टम के बाद डिस्प्ले में जाएंगे हम, डिस्प्ले ऑन किया, डिस्प्ले के बाद यहाँ पर स्क्रीन के विषय में दिया रहता है, ब्राइटनेस कितना बढ़ाना है, ऑटो कट के लिए ऑटो स्क्रीन वगैरह दिया है, इसके बाद स्क्रीन टाइम आउट दिया है। आप देख सकते हैं जो विशेष हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम आउट, यहाँ पे स्क्रीन पे हमने क्लिक किया, ये देखिए आप, ओके 2 मिनट्स 10 मिनट्स 30 मिनट्स, हाँ, नो टाइम लिमिट, जितना टाइम एडजस्ट करना है आपको उतना टाइम एडजस्ट करके आप स्क्रीन चला सकते, उतने देर ऑन रहेगा और ऑटोमेटिक ये लॉक हो जाएगा, है ना। जैसे हम 30 मिनट का करते हैं, यहाँ क्लिक किए ये 30 मिनट ओके हो गया। अब हम बाहर आते हैं इसके, ये कंप्लीट बाहर आ जाएंगे। अब हम जैसे इसको डायल करना है, कॉन्टेक्ट लिस्ट खोलना है, तो यहाँ कॉन्टेक्ट पे करेंगे तो सारी स्क्रीन पे लिस्ट खुल के आ जाएगी। यदि हमें नंबर डायल करना है, नंबर कैसे आते हैं, कैसे डायल करते हैं, ये फोन का एरो बना हुआ है, हल्का सा टच करेंगे, ये देखिए आप, ये नंबर आ रहा है 1 2 3 4, हाँ ये नंबर जो कीपैड जो रहता है पुराने मोबाइल में जो हमने देखा था वही कीपैड, हाँ, यहाँ पे कीपैड है। इसके बाद अपन को क्या करना पड़ता था, पुराने मोबाइलों पे तो नंबर दबाना पड़ता था 1 2 3 4, इस पे कुछ नहीं दबाना, टच करना बस, इसको आपने 2 नंबर लाए, 8 नंबर लेके आए, 9 नंबर लेके आए, 7 लेके आए, 6 लेके आए, और यहां से अपन जब कॉलिंग पे दबाए दो प्रकार की सिम इसने बताया, इसको एक बार फिर से दिखाएंगे, ये देखिए अपन ने नंबर डायल किया, ये नंबर डायल हो गया, एक आपको जानकारी के लिए बताए जा रहे हैं। नंबर डायल करने के बाद ये मोबाइल फोन बना बीच में, देख मतलब ये फोन का ऑप्शन बना, इस पे क्लिक करेंगे, ये क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें दो प्रकार के आपको सिम कार्ड शो कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपको सामने वाले से किस सिम पे बात करनी है। कई बार ये होता है कि हमारा बैलेंस एक पे है एक पे नहीं है, या किसी पे स्कीम चल रही फ्री ऑप्शन है, तो उसके लिए यहाँ ऑप्शन दिया रहता है, तो उससे हम जिस पे भी लगाना चाहे डोकोमो या एयरटेल स्मार्ट आईडिया A2Z जिस पे भी, और उसको हम कॉलिंग करेंगे तो ये कॉलिंग चालू हो जाती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर किस प्रकार से ऑप्शनों को यूज किया और किस प्रकार टच स्क्रीन सेट को यूज किया। सर इसमें मैंने देखा था ऊपर की स्क्रीन की तरफ कुछ सिम्बॉल्स भी बने हुए थे, अच्छा अच्छा हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें सर। अच्छा ठीक ठीक, यहाँ पर जो आपने देखा होगा ये है ना, यहाँ की स्क्रीन की बात कर रहे होंगे जी, हाँ, तो ये अपन देख सकते हैं यहाँ ये टाइम सर्ट टाइम चल रहा है कि क्या टाइम हुआ है उस टाइम के लिए, यहाँ क्लॉक अलार्म वगैरह सेट करते हैं, इसके बाद यहाँ बैटरी का सिम्बॉल्स है, और जो यहाँ पर हम जो है दो सिम जो यूज करते हैं उसका सिम्बॉल्स यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर ये दो सिम्बॉल्स आपके बने हुए हैं, टावर्स भी दिखाई दे रहे हैं, टावर्स बने हुए, ये मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे है, तो ये साइलेंस मोड पर यहाँ पे बना हुआ, किसी प्रकार का मैसेज वगैरह आता तो यहाँ पर
दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ बाकी नोट्स वगैरह दिए हुए हैं आपके, ठीक है सर। तो जैसा कि आज आपने देखा, हालांकि इसमें इतने सारे फंक्शंस हैं कि एक वीडियो में उसको समा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस होते हैं उसको हमने समझने की कोशिश करी। टच स्क्रीन मोबाइल का टच जो होता है बड़ा सेंसिटिव होता है, इसको बहुत ही सामान्य तरीके से इसको उपयोग करना पड़ता है सावधानी के साथ। और आने वाली वीडियो में हम और भी मोबाइल के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद।